हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। मैं माइसेल्फ कृपाल सिंह रजाना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक बेसिकली एक टाइम डोमेन को एस डोमेन में बदलने का एक फॉर्मूला है कि टाइम डोमेन कोई माना कि मेरा फंक्शन है एफ टी, उसको अगर मैं एफ एस में किस तरह से चेंज कर दूं। ये एफ एस में क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत यूज आने वाला होता है कि जो हम एस हैं, इंडक्टेंस को हम एल एस लिखते हैं, कैपेसिटेंस को सी एस लेते हैं, तो उस वक्त कई बार हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन फंक्शन को एस डोमेन में बदलते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जो एस, एस क्या है, हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और जो होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो रियल नंबर जो है ये सिग्मा, ये क्या है डैम्पिंग फैक्टर, और ये क्या है ओसिलेशन, ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फिर क्या कंडीशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ, कंडीशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, एफ एस जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो शुड ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, जो क्या ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। जो एफ एस है उसका जो ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एफ एस और एफ टी के बीच में रिलेशन किस तरह से है, कि अगर टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन एस डोमेन के अंदर में किस तरह से है। ये हो गया मेरा एफ टी, एफ टी को अगर मैं बदलता हूँ एफ एस, एफ एस को अगर मैं एफ टी में बदलता हूँ तो ये होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो जैसे कि हमने कहा था एफ, ये भी क्या है पूरा लेस देन कितना होना चाहिए इन्फिनिटी। अब बात करते हैं कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह से होता है, एक बाइलेटरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाइलेटरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है माना कि ये मेरी टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस पर अगर मेरा कोई सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से कहाँ चल रहा हो, इन्फिनिटी में चल रहा हो, माना कि ये चाहे यूनिट स्टेप हो, चाहे कुछ इस तरह का सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल हो, चाहे ऐसे कोई सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल अगर मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में चल रहा है तो उसे बोलते हैं हम बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम जो लिमिट लेंगे वो लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पर यूनिलेटरल भी होता है, यूनिलेटरल कैसे होता है कि अगर कोई मेरा कॉजल सिस्टम है, कॉजल सिस्टम होता है मेरा जो राइट हैंडेड सिस्टम होता है, मतलब कि जो जीरो से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाए, ना कि नेगेटिव साइड में जाए, ओनली पॉजिटिव साइड में जाए, मतलब राइट हैंड साइड में रहे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम के लिए जो लिमिट लेंगे हम जीरो से इन्फिनिटी लेंगे, और इसको बोलेंगे हम यूनिलेटरल, मतलब कि एक ही साइड में है ना, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये उल्टा भी हो सकता है नॉन कॉजल सिस्टम के लिए, वो ऐसे भी हो सकता है सिग्नल, ये भी हो सकता है सिग्नल, तो कोई भी हो सकता है, वो राइट साइडेड भी हो सकता है, लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो हम लेंगे लिमिट्स पुट करेंगे। अभी हम सिग्नल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा है यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है। यूनिट स्टेप देखो इसी से पता है, यूनिट मतलब वन, और स्टेप मतलब कि देखो एक स्टेप। तो ये ऐसा फंक्शन है यूटी, यूटी ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है इफ टी इज ग्रेटर देन जीरो, और जीरो होता है अगर टी इज लेस देन वन। इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से कि ये मतलब कि टी की वैल्यू अगर जीरो है, वहां से वन है इसका मैग्नीट्यूड कहाँ तक, इनफाइनाइट, टी इज ग्रेटर देन अगर जीरो है, और लेस देन जीरो है तो उसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो। तो एक तरह से ये हमने देखो एक यूनिट स्टेप उठाया, एक सीडी स्टेप, क्या होता है एक सीडी, तो ये एक स्टेप बढ़ाया देखो, उससे पहले जीरो था, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया, कितना यूनिट डिस्टेंस का, तो ये फिर लास्ट तक कंटिन्यूस रहता है इनफाइनाइट तक, ये होता है यूनिट स्टेप। अगर इसको हम कहें टाइम शिफ्टेड वर्जन में यू टी माइनस ए, यू टी माइनस ए, तो ये फंक्शन हो गया एक तरह से मेरा कि मैंने इसको टाइम डोमेन में शिफ्ट कर दिया कहाँ पे,
ए से और इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू होगी वन इफ टी इज ग्रेटर देन ए और जीरो इफ टी इज लेस देन ए। देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, ए से अगर छोटा है टी का फंक्शन टाइम डोमेन, क्योंकि ये जो एक्सिस किसकी है टाइम की है, अगर ए से छोटे में इस फंक्शन की क्या वैल्यू कुछ भी नहीं है और टी से एक जैसे ही इसकी वैल्यू क्या है वन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो। तो ये शिफ्टेड फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसका, इसका यूटी का। देखो ये हमारा फॉर्मूला है तो हम करते हैं एफ टी और कहते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, ठीक है। ये आ गया मेरा एफ एस। अब देखो लिमिट कैसे पुट करेंगे कि ये मेरा सिंगल साइडेड फंक्शन है, यूनिलेटरल फंक्शन है, तो जो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ से कर रहा है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कर रहा है। तो जीरो से इनफाइनाइट है तो इसकी लिमिट लेंगे हम जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट एफ टी। अब देखो एफ टी, तो एफ टी की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी देखो क्या है मेरी वन, टी इज ग्रेटर देन, टी की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू क्या है वन, जीरो से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या है मेरी वन, जीरो से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू वन है तो वन वैल्यू लिख दी माइनस एस टी डी टी। अब देखो ये आ गया, अब इसका e की पावर माइनस एस टी का लाप्लास वो इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इंटीग्रेशन e माइनस एस टी का तो सेम होता है अपॉन में डिफरेंशिएशन होता है माइनस एस टी का, तो माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस एस, तो ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी। अब देखो इसमें लिमिट पुट करता हूँ मैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस e की पावर जीरो अपॉन माइनस एस। देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है वो वैल्यू कितनी होती है जीरो, ठीक है, ग्राफ में चेक कर सकते हो e की पावर जो इन्फिनिटी पे क्या होती है जीरो होती है, और अगर इसको हम बात करें वन अपॉन माइनस एस तो ये तो जीरो अपॉन समथिंग, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा जीरो, तो जीरो माइनस किसी की भी पावर जीरो तो क्या होता है वन अपॉन माइनस एस, तो ये आ जाएगा माइनस एस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एस। तो हम कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप इज इक्वल टू वन अपॉन एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया मेरा यूनिट स्टेप का वन अपॉन एस। अब बात करते हैं हम टाइम डोमेन के लिए यू टी माइनस ए के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एफ एस इज इक्वल टू, अब देखो लिमिट क्या लूंगा मैं, वैसे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है पर यहाँ पे देखो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट किससे कर रहा है ए से लेके इनफाइनाइट तक, तो मेरी लिमिट क्या होगी ए से लेके इनफाइनाइट तक, और क्या एग्जिस्ट कर रहा है इसकी वैल्यू क्या है वन, टी इज ग्रेटर देन ए तो वन ई की पावर माइनस एस टी डी टी। लिमिट्स को समझ लेना, लिमिट कहाँ से लिए ए से इन्फिनिटी लिए क्योंकि मेरा फंक्शन ही ए से इन्फाइनाइट तक एग्जिस्ट कर रहा है, और वन क्यों लिखा है, वन क्यों लिखा है कि यू टी माइनस ए वन है कहाँ, टी इज ग्रेटर देन ए, अगर टी इज ग्रेटर देन ए के लिए वो वन है तो इसलिए हमने वैल्यू क्या लिख दी वन, और लिमिट भी हमने लिया ए से इनफाइनाइट तक। तो देखो इसमें भी हम करेंगे तो माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा इसका इंटीग्रेशन जैसे हमने पुराने वाले में किया, और लिमिट अब आएगी ए से इन्फिनिटी। अब देखो इस लिमिट को पुट करते हैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस ए एस अपॉन माइनस एस, तो ये तो पहली तरह हो जाएगा क्या जीरो, तो जीरो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस ए एस अपॉन एस। तो ये हो गया मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए, मतलब शिफ्टेड वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप का भी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया। और चाहो तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि हमको पता है अगर किसी एफ टी फंक्शन का फूरियर सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ एस, अगर इसका हम टाइम डोमेन में शिफ्ट कर देते हैं टी माइनस टी नॉट, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एफ एस ए की पावर माइनस एस टी नॉट। अब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन था उसको मैंने शिफ्ट किससे किया टी माइनस ए से, तो यू टी का जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो क्या आया था वन अपॉन एस, तो ऐसे ही उसका अगर टी माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे वन अपॉन एस
ई माइनस एस और टी टी नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा ए एस, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस। चाहो तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर हमें यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता हो तो यूटी का अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। किससे? इससे। ये हमारा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ टाइम, शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग। तो इससे भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं।